टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाम से ऐसा लगता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो जरूर हो रही है, मैं ये नहीं कहता रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट तो होगी, पर एक्चुअल में ये जो प्रोसेस है ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस है, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर TIR कैसे होता है और ये एक्चुअल में है क्या चीज़, इसको समझने के लिए इमेजिन करो कि आपके पास एक डेंसर मीडियम है और लेट अस सपोज वो डेंसर मीडियम है वाटर, ये रहा ये आपका डेंसर मीडियम है वाटर और ये है एयर रेयरर मीडियम है। इमेजिन करो यहां से लाइट आती है और अगर लाइट की रे बिल्कुल सीधी जाती है तो बिल्कुल भी बेंड नहीं होने वाली, पर अगर मैं लाइट को यहां पे इंसिडेंट करवाऊं और ये मेरा नॉर्मल है और ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आई, तो रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बनेगा आर, क्लियर है? तो चलो आई वन कर देता हूं, ये आर वन है, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने लाइट को यहां पे हिट किया, ये नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई टू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि इंसिडेंस बढ़ा तो रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई, तुम इधर से आई बढ़ाते जाओगे उधर से आर बढ़ता जाएगा, राइट? क्लियर है? तुम नीचे से और बेंडिंग करते जाओगे, आई बढ़ता जाएगा, आर बढ़ता जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल बढ़ता जाएगा, लेकिन अब तुमने क्या किया, तुमने रे ऑफ लाइट ली, ये वाटर की सरफेस है और यहां पे हिट करवाई सच दैट एक एंगल बन गया आई थ्री, लेकिन इस बार जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट हुई मेकिंग एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू वॉट 90, मतलब इतना अवे फ्रॉम हो गया कि सरफेस के साथ ही लाइट चलनी स्टार्ट हो गई। तो इस स्पेशल एंगल को जब लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम नॉर्मल 90 डिग्री बनता है, इस एंगल को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है, हो कैसे रही है, डेंसर टू रेयरर हो रही है। अब तुम नहीं हटे, तुमने एक और फिर लाइट ली और इस एंगल पर हिट करवा दी, ये लो इस एंगल पर आपने हिट करवाई, ये रही ये नॉर्मल है, इस बार जो आपका एंगल बना वो ग्रेटर देन क्या बन गया, क्रिटिकल से भी ज्यादा एंगल कर दिया। अब जब तुमने ग्रेटर देन क्रिटिकल किया तो आपकी लाइट का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर देन क्या बन गया 90 और लाइट पानी के अंदर वापस आ गई, जबकि क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। तुमने इतनी रिफ्रैक्शन करवा दी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल करते करते वो लाइट ही वापस आ गई, इसको बोलते हैं टोटली लाइट क्या हो गई, इंटरनली रिफ्लेक्ट, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्लियर है? इसे बोलते हैं TIR। तो TIR का जो प्रोसेस है उसमें ये गिवन है, वो पूछता है व्हाट इज TIR, एक्सप्लेन एंड राइट टू कंडीशंस जिससे कि TIR जो है वो इसमें अकर होगा। तो TIR इज डिफाइंड एज ए फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर ना ट्रेवल करे, डेंसर से रेयरर करे। जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर ट्रेवल करेगी तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। गेट्स इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा एंगल है तो TIR हो जाएगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्रिटिकल एंगल निकलता कैसे है? ये डायग्राम बुकलेट में क्लियर है, ये देखो सेम डायग्राम बनाया मैंने और यहां पर एंगल क्रिटिकल है और यहां पर ग्रेटर देन क्रिटिकल है। तो इसके अंदर अगर आपको क्रिटिकल, और हाँ ये पक्का आएगा, राइट टू कंडीशन फॉर TIR। तो पहली कंडीशन आपने ये लिखनी है, लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, रेयरर से डेंसर नहीं करवानी, डेंसर से रेयरर ही TIR हो पाएगा। और दूसरी कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन दी क्रिटिकल एंगल, डेंसर मीडियम से एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए तभी TIR होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये दो कंडीशन आपने इसमें मेंशन करनी है। तीसरी चीज, हाउ टू फाइंड क्रिटिकल एंगल, इसके लिए आपको एक यहाँ पे मेंशन, ये मेंशन किया होगा यहाँ पे, देखो एक मैथमेटिकल पोर्शन, ये रहा जहाँ ये रिलेशन लिखा हुआ है ना, वहाँ प्लीज आप ये डायग्राम ड्रॉ करें, इस थ्योरी को रेफर ना करें जो मैं लिख रहा हूँ, उसे रेफर करें, बनाएं जरा। इसमें ऐसे बनाएं कि सपोज एक रे ऑफ लाइट है, ये नॉर्मल है, ये लिखें डेंसर, ये लिखें डेंसर, ये लिखें रेयरर, डेंसर रेयरर ऐसे लिखें, और रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है
डेंसर टू रेयरर सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री और क्रिटिकल एंगल इज सी. एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सी है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90. क्लियर है यहां तक? तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू आर. ये बनाए डायग्राम और लिखें बुकलेट के ऊपर लिख लें म्यू डी म्यू आर. ठीक है, स्नेल्स लॉ लगाएं. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू डी इंटू साइन ऑफ सी इज म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन ऑफ 90. क्लियर है? स्नेल्स लॉ लगा दिया, साइन 90 वन है तो यहां से काम करें साइन ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ डी क्रॉस मल्टीप्लाई. साइन 91 है, साइन सी की वैल्यू लिखें म्यू आर अपॉन म्यू डी. ठीक है, तो स्नेल्स लॉ लगाया इसकी वैल्यू आ गई. अब एक काम करें म्यू डी के नीचे म्यू आर ले आए और इसको लिखें म्यू आर डी. देखो ना म्यू आर इसके नीचे ले आया और इसको रीअरेंज करके लिखा तो डी ऊपर है तो डी नीचे आ गया, आर नीचे आर ऊपर आ गया. और फाइनली फॉर्मूला लिखें साइन सी इज वन बाय म्यू डी आर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन सी इज इक्वल टू वन बाय म्यू. लोग याद करते हैं, लोग ऐसे याद करते हैं साइन सी इज वन बाय म्यू, लेकिन ऐसे मत करें. ऐसे याद करें इसके पैर में नीचे डेंसर है और ये रेयर है, क्योंकि आपको दो मीडियम पक्के गिवन होंगे ग्लास एंड वाटर कुछ भी, और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा एक का ज़्यादा होगा, एक रेयरर है एक डेंसर है. तो तुमने ऐसे ही यूज़ करना है डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयरर. अब ग्लास है कि वाटर जो भी डेंसर है वो न्यूमेरिकल में करके दिखाऊंगा कैसे करना है. ये फॉर्मूला याद रखना अगली क्लास में बहुत काम आएगा. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर इसको आगे देखते हैं.